जहाँ तक पश्चिम बंगाल के चुनाव का सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की उस धरती से आए हैं जो भगवान राम भगवान श्री कृष्ण की धरती है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें इतना बहुमत दिया है, आज उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से क्यों परेशान है? आज उत्तर प्रदेश की जनता को डीजल पेट्रोल क्यों महंगा खरीदना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता को और ख़ासकर गरीब जनता को उज्ज्वला क्यों महंगी खरीदनी पड़ रही है? बिजली क्यों महंगी मिल रही है? आज जो कानून व्यवस्था की हालत है, शायद देश में सबसे ख़राब कानून व्यवस्था की अगर कहीं हालात हैं तो उत्तर प्रदेश में है। और जितना भी विकास समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था उस सारे काम को रोक दिया, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ये जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं ये सब जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं इटावा में हूँ आज और आप सब इटावा के रहने वाले हैं, इटावा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या एक काम दिया है बता दो हमें? जो काम थे उसको रोक दिए, उन कामों को ख़राब कर दिया, उन कामों को बर्बाद कर दिया, और यही मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश को पीछे कर करके, उत्तर प्रदेश के विकास को रोक करके और पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं जाकर के वो विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के सहारे है, क्योंकि झूठ से उनकी सत्ता चल रही है, इसलिए झूठ हर जगह फैला रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश बर्बाद किया है, और मैं पश्चिम बंगाल की जनता से कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जी को एक बार फिर जिताएं, क्योंकि देश एक ऐसी सरकार चाहता है जो कम्युनल सरकार ना हो, जो नफरत ना फैलाती हो। कम से कम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार होगी जो पश्चिम बंगाल की जनता को और आगे ले जाएगी। नाटक बता रहा है, राजनीति में जो नाटक करने वाले लोग हैं, और सबसे ज़्यादा नाटक कौन करता है? सबसे ज़्यादा नाटक कर करके अगर वोट बटेरने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे कि इटावा से इटावा के लोगों ने हमारे डॉक्टर छीन लिए, आज बताओ यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? किसी गरीब को इलाज मिल पा रहा है? और दूसरा, हमारे शेर ले गए, इस लाइन सफारी को नहीं शुरू किया। आपको दुख होना चाहिए जितने इटावा वासी लोग हैं या आसपास के मध्य प्रदेश के लोग हैं या जो टूरिज्म को समझते हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर करके यहाँ के शेर ले जा करके अपनी शान बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि शेर को तो जूनागढ़ से ही लाया गया था ब्रीडिंग के लिए, वापस उनको। अरे आपसे ज़्यादा सच्चाई कौन जानता होगा कि चार साल गुजर गए अभी तक लाइन सवारी नहीं शुरू हुई। अच्छा, पंचायत चुनाव अब जो सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया और नए सिरे से आरक्षण लागू करने का कहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं साजिश नज़र आती है। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उस तरफ भी ध्यान देगा जो साजिश चल रही है कि चुनाव ना हो। ओबीसी साहब ने कहा है कि 37% मुसलमानों को जो है ठोको नीति के तहत लगाया गया, ये किस तरह की नीति है? उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी ठोको नीति चल रही है, अगर आप भी सच दिखा दोगे तो आप भी ठोके जाओगे। कोरोना को लेकर है, उससे हमें और आपको बचाव रखना पड़ेगा, मास्क लगा के रहें और दूरी बनाए रहें। किसान आंदोलन को लेकर गाजीपुर के जो किसान बैठे हुए, किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी है, ये बताएं इटावा में किसको धान की कीमत मिली? अगर आप भी धान लेने गए होगे या बेचने गए होगे तो बिका नहीं होगा, और 900 रुपये लेकर के वापस आना पड़ा होगा आपको। किसानों की सुरक्षा के लिए आज NCR से तमाम किसान लाठी डंडों के साथ निकले हुए हैं, कि उनका कहना है कि तमाम अराजक तत्व घुस आते हैं धरने। भारतीय जनता पार्टी कोई भी साजिश कर सकती है। ठीक है।